गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम आपकी संस्कृत की पुस्तक संकल्पम भाग 3 में चतुर्थ है पाठ है मूर्ख मंडलम पढ़ेंगे। मूर्ख मंडलम अर्थात मूर्खों की मंडली, मंडली इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों ग्रुप, तो मूर्खों की मंडली। तो ये मूर्खों की मंडली जो पाठ का नाम है, इस पाठ में इसी के विषय में एक कहानी के माध्यम से बहुत अच्छी शिक्षा दी गई है। तो बच्चों यह पाठ हम पुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे और पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों हम इसके कठिन शब्द पढ़ लेते हैं। आइए ब्लैक बोर्ड पर देखिए, ये देखिए शब्दार्थ है कस्मिंश्चित यानी कि किसी, कस्मिंश्चित किसी, अरण्य जंगल में या वन में, पुरीशात मल या विष्ठा, यानी कि जिनके नीचे अंडरलाइन है ना बच्चों वो संस्कृत के शब्द हैं और उनके हिंदी में अर्थ सामने दिए गए हैं। तो पुरीशात का अर्थ है पुरीशात मल या विष्ठा, व्याध है माने शिकारी, ये देखिए शिकारी, पुरत है माने सामने, पुरतः अर्थात सामने, नत्वा नमस्कार कर, पारितोषिकम यानी कि पुरस्कार पुरस्कार, और ये पाशबंधक है इसका मतलब भी शिकारी। ये पारितोषिकम माने बच्चों पुरस्कार या पुरस्कार यानी कि जो हमें इनाम मिलता है, इनाम को पुरस्कार भी बोल सकते हैं और संस्कृत में पारितोषिकम, पाशबंधक है शिकारी, शिकारी को पाशबंधक भी कहा गया है और व्याधह भी कहा गया है। तो बच्चों यह पाठ हम पुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे, अपनी पुस्तक को खोल लीजिए बच्चों और पेज नंबर है 14 यानी कि 14 पेज नंबर है। बच्चों अब हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। ये देखिए चतुर्थ है पाठ है यानी कि चौथा पाठ, पाठ 4 इंग्लिश में बोलेंगे चैप्टर 4 मूर्ख मंडलम मूर्खों की मंडली, इंग्लिश में कहेंगे बच्चों द ग्रुप ऑफ फूल्स। कस्मिंश्चित अरण्य एक है महान अश्वत्थ वृक्ष है आसीत, किसी वन में या जंगल में एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष पीपल का पेड़ आसीत था, किसी वन में एक विशाल पीपल का पेड़ था, तस्मिन वृक्षे सिंधुके नाम एक है पक्षी निवासम करोति इस्म, तस्मिन उस वृक्ष पर सिंधुक नाम का एक पक्षी निवास करता था, तस्य पुरीशात सुवर्णम उत्पन्नम भवति इस्म, तस्य उसके पुरीशात मल से सुवर्णम सोना उत्पन्नम उत्पन्न भवति होता इस्म था, उसके मल से सोना उत्पन्न होता था। एकदा कश्चन व्याध है तत् अरण्यम अगच्छत, एक बार कश्चन कोई व्याध शिकारी तत उस अरण्यम जंगल में या वन में अगच्छत गया, एक बार कोई शिकारी उस जंगल में गया, तदा पक्षी तस्य पुरतः एव पुरीशोत्सर्जनम अकरोत्, तदा पक्षी तभी पक्षी ने तस्य उसके पुरतः सामने एव ही तब पक्षी ने उसके सामने ही मल उत्सर्जन किया, उत्सर्जन मतलब त्याग, मल त्याग किया, पुरीशे सुवर्णम दृष्ट्वा व्याधः चकित है अभवत, पुरीशे मल में सुवर्णम सोना दृष्टवा देखकर शिकारी व्याधा शिकारी चकित है आश्चर्यचकित अभवत हुआ, मल में सोना देखकर शिकारी चकित हुआ या आश्चर्यचकित हुआ। ये देखिए पीपल का पेड़, ये सिंधुक नाम का पक्षी, इस पक्षी का नाम सिंधुक है और ये मल त्याग कर रहा है शिकारी के सामने ही। सह अचिंत्यत उसने सोचा अहम वने कदापि एतादृशं विचित्र खगम न अपश्यम, उसने सोचा या उसने विचार किया कि अहम माने मैंने वने वन में कदापि कभी भी एतादृशं इस प्रकार का विचित्र खगम विचित्र पक्षी या अद्भुत पक्षी न अपश्यम नहीं देखा, कि मैंने वन में कभी भी ऐसा विचित्र पक्षी नहीं देखा। अहो एतस्य पुरीशे सुवर्णम उत्पन्नम भवति, आश्चर्य से कहता है कि अरे इसके मल में सोना उत्पन्न होता है। ये देखिए इति स
सह जालम प्रसार्य तम खगम गृहीत्वा पंजरे बद्धम अकरोत। सह माने वह भी होता है बच्चों, उसने भी, उसने जाल फैलाकर तम उस खग पक्षी को गृहीत्वा पकड़कर पंजरे पंजरे में बद्धम बंद अकरोत किया। उसने जाल फैलाकर प्रसार्य फैलाकर उस पक्षी को पकड़कर पिंजरे में बंद किया। गृहीत्वा पकड़कर, उसने जाल फैलाकर उस पक्षी को पकड़कर पिंजरे में बंद किया। आगे देखते हैं। पुनः से अचिंत्यत, उसने फिर से सोचा, एतस्य खगस्य अहम किम करिष्यामि, एतस्य ऐसे खगस्य पक्षी का अहम किम करिष्यामि, मैं क्या करूँगा, किम माने क्या, करिष्यामि करूँगा। पुनः से अचिंत्यत, उसने फिर से विचार किया या उसने फिर से सोचा कि एतस्य खगस्य अहम किम करिष्यामि, कि एतस्य खगस्य अहम किम करिष्यामि, एतस्य ऐसे खगस्य पक्षी का अहम मैं किम क्या करिष्यामि करूँगा, ऐसे पक्षी का मैं क्या करूँगा। एतादृशः विचित्रः पक्षी महाराजस्य समीपे एव भवेत्। एतादृशः, इस प्रकार के विचित्र पक्षी को महाराजस्य, महाराज के समीपे समीप एव ही भवेत् होना चाहिए। एतादृशः, इस प्रकार के विचित्र पक्षी को तो महाराज के समीप ही होना चाहिए। अतः महाराजाय एव एतम खगम दास्यामि, अतः महाराज को ही, एव मन ही, अतः महाराज को ही यह पक्षी दूंगा। ये देखो, इति विचारे राजसभां प्रति अगच्छत, ऐसा विचार करके या ऐसा सोचकर राजसभा की ओर गया, अगच्छत गया। महाराजम नत्वा अवदत, महाराज को नमस्कार करके बोला, महाराज एषः कश्चन विचित्रः पक्षी अस्ति, महाराज एषः यह कश्चन कोई विचित्र माने अद्भुत या विचित्र पक्षी अस्ति पक्षी है, महाराज यह कोई विचित्र पक्षी है। एतस्य पुरुषे सुवर्णम उत्पन्नम भवति, एतस्य पुरुषे इसके मल में सुवर्णम सोना उत्पन्नम उत्पन्न भवति होता है, इसके मल में सोना उत्पन्न होता है। ये देखिए कह रहा महाराज से, महाराज अति प्रसन्न है अभवत, महाराज अति प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। सह सेवकान आदिशत, उन्होंने सेवकों को आदेश दिया, यत कि भो सेवक है, अरे सेवको, एतम विचित्रम खगम सावधानतया रक्षन्तु, इस विचित्र पक्षी की सावधानी पूर्वक रक्षा करो, या इस विचित्र या अद्भुत पक्षी को सावधानी से रखो। फिर से देख लीजिए बच्चों, भो सेवकः अरे सेवको, एतम विचित्रम खगम सावधानतया रक्षन्तु, इस विचित्र पक्षी को सावधानी पूर्वक रखो, या इस विचित्र पक्षी की सावधानी पूर्वक रक्षा करो। ये कह रहे हैं, देखो ये दे रहे हैं। व्याधाय प्रभुतम पारितोषिकम अयच्छत, व्याधाय शिकारी को प्रभुतम बहुत अधिक पारितोषिकम पुरस्कार अयच्छत दिया, शिकारी को बहुत सारा पुरस्कार दिया या बहुत अधिक पुरस्कार दिया। ये देखो आगे देखते हैं। तदा एकह मंत्री निरपम अवदत, तभी एक मंत्री ने राजा से कहा, या तभी एक मंत्री राजा से बोला। तदा एकह मंत्री निरपम अवदत, तभी एक मंत्री राजा से बोला, या तभी एक मंत्री ने राजा से कहा, महाराज एषः व्याधः असत्यम वदति, महाराज यह शिकारी असत्य बोलता है, या असत्यम माने झूठ, महाराज यह शिकारी झूठ बोलता है। कदाचिदपि पक्षीपुरी से सुवर्णम उत्पन्नम भवति किम, कदाचिदपि, ये संधि हुई बच्चों कि कदाचित अपि, अपि माने भी, कि कभी भी पक्षी के मल में सोना उत्पन्न होता है, कि माने क्या, कि कभी भी पक्षी के मल में सोना उत्पन्न होता है क्या। एतत् असंभव मेव, यहाँ भी संधि है, असंभव एव लिख रहा बच्चों, देखो एतत् यह तो असंभव ही है। व्याधस्य वचने विश्वासम मा करोतु, शिकारी के वचनों पर विश्वास मत करो, या शिकारी की बातों पर विश्वास मत करो। एतम खगम पंजरात विमोचयतु, इस पक्षी को पिंजरे से छोड़ दो। एकह सेवकः मंत्री वचनानुसारम पंजर द्वारम उद्घाटयत, एक सेवक ने मंत्री के वचनों के अनुसार पिंजरे का द्वार खोल दिया, या पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। ये देखिए, और ये देखिए बच्चों, इधर ये मंत्री जो है महाराज से कह रहे हैं कि ये जो शिकारी झूठ बोल रहा है। ये देखिए पिक्चर बच्चों, आगे देखते हैं कि एकह सेवकः
मंत्री वचनानुसारम पंजर द्वारम उद्घाटयत। एक सेवक ने मंत्री के वचनों के अनुसार पिंजरे का द्वार खोल दिया या पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। पक्षी पंजरात उड्डीय राजभवन से उन्नते स्थाने उपाविशत। पक्षी पिंजरे से उड़कर राजभवन के ऊंचे स्थान पर बैठ गया। ये देखिए बैठा। तत्र सह पुरीषोत्सर्जनम अकरोत। तत्र वहाँ, सह माने उसने, वहाँ उसने मल उत्सर्जन या मल त्याग किया, अकरोत किया। तत् पुरीषम सुवर्णमयम अभवत। वह मल सोने का हुआ, सुवर्णमय, सुवर्णमय यानी कि सोने से युक्त अभवत हुआ। वह मल पुरीषम मल सोने का हो गया या सोना स्वर्णमय हुआ। वह मल स्वर्णमय हो गया या हुआ या सोने का हो गया। राजा देह सर्वे आश्चर्येण तत् पुरुषम अपश्यन। राजा आदि, ये संधि हुई है बच्चों कि राजा आदि सभी आश्चर्य से उस मल को देख, या फिर से देख लीजिए, राजा आदि है, आदि है, राजा आदि सर्वे सभी ने आश्चर्य से तत् उस पुरुषम मल को अपश्यन देखा। राजा आदि सभी ने उस मल को आश्चर्य से देखा, आश्चर्य से देखा। राजा आदि सभी ने आश्चर्य से उस मल को देखा। ये देखो सब देख रहे हैं। राजा आदि में कौन कौन हो गए बच्चों? राजा हुए, मंत्री हुए, सेवक हुए और जो भी दरबार में थे वो राजा आदि सभी ने आश्चर्य से उस मल को देखा। ये सब देख रहे हैं। देखो तदा खगह विहस्य वदती। तब पक्षी हंसकर बोला या तब पक्षी हंसकर कहता है। पूर्वम तावद अहम मूर्खः द्वितीय पाशबंधक है ततो राजा च मंत्री च सर्वम ही मूर्ख मंडलम। क्या कहता है पक्षी? तदा तब खग पक्षी विहस्य हंसकर वदती कहता है कि पहले तो, पूर्वम पहले तो, पहले तावद अहम, ये भी संधि है, मैं मूर्ख था, पहले तो मैं मूर्ख था। द्वितीय पाशबंधक है दूसरे या फिर पाशबंधक है शिकारी, व्याधे माने भी शिकारी, पाशबंधक है माने भी शिकारी, द्वितीय या फिर शिकारी। ततो राजा फिर राजा, चे मंत्री चे फिर मंत्री और फिर मंत्री, सर्वम ही मूर्ख मंडल सारे ही मूर्ख हैं, अर्थात यहाँ तो मूर्खों की मंडली ही है, सारे ही मूर्ख हैं। पहले तो मैं ही मूर्ख था, पहले मैं मूर्ख था, फिर या दूसरे शिकारी, फिर राजा, ततो राजा उसके बाद राजा और मंत्री, यहाँ तो सब मूर्ख ही हैं, अर्थात यहाँ तो मूर्खों की मंडली ही है। बच्चों आज हमारा ये चैप्टर मूर्ख मंडलम पूरा होता है। इसकी मैं आपको वर्कशीट और बुक वर्क सब सेंड कर दूँगी। आप वीडियो भी ध्यान से देखना और वर्क को भी बड़े ध्यानपूर्वक करना। ये देख लीजिए एक बार इसकी पिक्चर और देख लीजिए बच्चों, ये देखिए।